वेलकम टू आवर चैनल ब्राइटवे ऑनलाइन स्टडी सेंटर। सो हम लोग इस क्लास में बहुपद, हमारे पिछले क्लास में बहुपद चल रहा था और बहुपद भी मतलब मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग कैसे पहचानेंगे बहुपद है या नहीं है, ठीक है। और उसमें ये बताया गया था कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो किस तरह का बहुपद है, यानी पद के आधार पर मैंने बताया था, यानी प्रकार बताया था, और फिर उसके बाद घात के आधार पर बताया था, फिर उसका मतलब गुणांक कैसा क्या होगा, मानक रूप क्या होगा, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछले वीडियो नाइंस का पहला जो बहुपद का है पार्ट वन, उसको आप लोग जाकर देखिए। और आज हम लोग पार्ट टू में मतलब दूसरे टाइप के बहुपद के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन किस तरह के होंगे जो कि हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू वन पर पी एक्स 5x² - 3x का मान ज्ञात करें, मतलब इस तरह के होंगे और आपको बोला जाएगा मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब क्या आपको मतलब एक इक्वेशन बहुपद दिया गया है, अब आपको क्या करना है, जहां भी x है वहां पे वैल्यू उसका क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। यहां पे हो सकता है कुछ भी पुट कर लीजिए, आपको कुछ दे यहां पे मोर देन 1 कर दिया, जैसे यहां पे 1 दिया गया और 2 भी बोल देगा करने के लिए आपको पुट कर लेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है, बहुपद जो है हमारा 3x 5x² - 3x + 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x के पे पुट करना है कितना 1, मतलब इसे हमें वैल्यू निकालना है, तो x के पे पुट करना है 1। तो क्या करते हैं, चलिए बहुत सिंपल है, 5 × 1² - 3 × 1 + 7, ठीक है। अब देखिए 5 अब पावर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 times लिखा जाएगा, -3 × 3 + 7, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 फिर 5 × 5 तो 5 - 3 + 7, अब क्या होगा, ये दोनों प्लस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 5 और 7 = 12 और -3 कितने हो जाएंगे 9, हमारा आंसर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या बस क्या करना है आपको, जो भी वैल्यू इक्वेशन दिया रहेगा वो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे हो सकता है अगर x इक्वल टू 1 हो, 0 हो, 2 इस तरह पूछ देगा, तो आपको क्या करना है 3 times, मतलब फिर आपको क्या करना है, x के पे कितना रखना है 2 रखना है, इसी तरह फिर जहाँ x वहाँ पे कितना रखना है 0 रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या आ गया कि जांचे कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक कहने का मतलब क्या, शून्यक कहने का मतलब क्या कि उसका 0, आई मीन क्या होगा, जैसे हमें कोई वैल्यू है जो वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो वैल्यू दिया गया हमारे जैसे x पे कितना है 0 है और फिर 2 है, और इसमें अगर इसका शून्यक होगा यानी इसका 0 होगा, तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं, और अगर आ गया तो शून्यक होगा, नहीं अगर 0 आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, शून्यक नहीं है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, 2 डालते हैं, 2 जहां भी x वहां 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर -2 × 2, अब 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4 - 4, यानी कितने आ गए 0, यानी देखिए 2 शून्यक होगा या नहीं होगा, होगा क्यों, क्योंकि बोला गया अगर हमारा जैसे शून्य दिया होगा उसको हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है हमारा कितना 0। फिर एक और भी है, हमें 0 डालना है, तो 0 डालते हैं, 0 का स्क्वायर -2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 का 0 और ये भी 0, यहाँ भी क्या आ रहा है 0, मतलब क्या शून्यक होंगे या नहीं होंगे, तो शून्यक होंगे, क्यों, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 0 और यहाँ भी क्या आ रहा है 0, x की वैल्यू हमें 2 रखने फिर भी 0 आ रहा है, और x और 0 रखने फिर भी 0 होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, (2x)² - 2x = 2 और 0, ठीक है, इस तरह बताना है। अब जो नेक्स्ट टाइप का है, अब यहाँ पे बोला बहुपद x + 5 का शून्य ज्ञात करें, ठीक है, शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसको हम दो तरीके से बताएं, शून्य कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा हम लोग क्या वैल्यू डालें तो इसका आंसर कितना आ जाए हमारा 0 आ जाए, मतलब इसका वैल्यू हमें क्या डालें कि आंसर क्या होगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए हम एक चीज कर लेते हैं, जो हमारा वैल्यू दिया गया उसमें क्या करना है, इक्वल टू में 0 कर देना है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें क्या करना है, मतलब हमने सामने चर की वैल्यू निकाल लेना और निकालना है इसमें, तो चर बराबर मतलब हमें निकालना है x है, तो उधर अगर एक प्लस है उधर किस बॉर्डर पार करने पे क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, एक रूल आप याद कर लीजिए जो कि मैं बता देता हूँ फिर से, प्लस अगर होता है बॉर्डर साइन क्या हो जाता है माइनस, अगर इधर माइनस होंगे तो बॉर्डर पार करने पे क्या हो जाएंगे प्लस, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड, और अगर डिवाइड होते हैं क्या हो जाते हैं मल्टी,
फ्लैग में चले जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिए आप, ठीक है। तो इससे आप इसका आंसर क्या हो गया, -5 हो गया, ठीक है। मतलब अगर हमें क्या बोला गया कि शून्य, मतलब ऐसा क्या वैल्यू डाले जो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जीरो आ जाएगा। तो अब अगर आप इसमें देख लीजिए -5 अगर डाल कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होता है नहीं, -5 और 5 क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, तो आप बस सिंपल ऐसा करना, बराबर जीरो और एक्स की वैल्यू या जो भी होगा चर उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन इसी तरह के देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 और इसका आपको बोला गया कि इसका शून्य ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि फिर क्या करना है, इक्वल टू जीरो कर लेना है। तो 2x अभी क्या है, इधर माइनस में इधर किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड, मुझे क्या हो गया 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ का शून्य ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो जितने भी हम लोगों ने मतलब देखा बहुपद में अभी, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है मतलब अलजेब्रिक, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। मतलब जोड़ घटाओ गुणा और भाग देख रहे हैं हमें, मतलब अलजेब्रा का, ठीक है, जो कि बहुपद में ही आता है। तो आप लोग अभी तक मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आई मीन हम लोगों ने देखा बहुपद, बहुपद में हमें क्या करना है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि द्विघात है, त्रिघात है या जो भी है, एक पदी है, द्विपदी है, या घात कैसे बताते हैं, शून्य क्या होगा, ये सब हम लोगों ने सीखा। फिर अभी शून्य ज्ञात करना कैसे, या शून्य होगा या नहीं होगा, इस तरह का। तो आप एक्सरसाइज को क्लियर करो और प्रॉब्लम जो भी होगा आप कमेंट करो, ठीक है। और तो आज के लिए बस ये जस्ट, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।